हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम NTA UGC नेट JRF 2020 होम साइंस के लिए 50 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट 8 लेके आए हैं। कल का हमारा जो मॉक टेस्ट था वो हमारे क्वेश्चंस थे टेक्सटाइल टॉपिक से रिलेटेड। आज उसी के आगे कनेक्टिंग 50 मोर क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड लेके आए हैं। होपफुली आपको ये हमारा जो सेशन है ये अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की प्रॉपर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टुडे इज डैश इज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस यूजिंग निडल टू फॉर्म इंटरलॉकिंग लूप्स। ऑप्शंस आर ब्रेडिंग, फेल्टिंग, निटिंग एंड वीविंग। सो इन दिस क्वेश्चन दे वांट टू आस्क अबाउट द फैब्रिकेशन प्रोसेस, मींस द वे वी मेक द फैब्रिक फ्रॉम आर यार्न्स। सो वी हैव इंटरलॉकिंग एंड वी नो दैट इन विच वी इंटरलॉक द लूप्स। In weaving, we do interlacing and in knitting, we do interlocking. So, ये जो question है, इस question में इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा fabrication का process है, मतलब कपड़ा बनाने की कौन सी ऐसी विधि है जिसके अंदर हम needles को use करते हैं, सिलाइयों को use करते हैं और interlock करते हैं loops को, मतलब loop बना के हम आपस में दो नीडल्स के साथ, यहाँ दो नहीं बट नीडल्स लिखा है तो नीडल्स के साथ काम करते हैं। हमें पता है ब्रेडिंग क्या होता है, चोटी बनाना, तो वो भी हम धागों से करते हैं। फेल्टिंग हमारा नॉन वोवन प्रोसेस होता है। नीटिंग के अंदर हम लूप्स बनाते हैं और वीविंग के अंदर हम लेस करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर है नीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज द एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू बेंड रिपीटेडली विदाउट ब्रेकिंग इज नोन एज इलास्टिसिटी, एलोंगेशन, फ्लैक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या क्षमता है हमारी, क्या एबिलिटी है हमारी फाइबर की कि वो मुड़ जाए, बैंड हो जाए बिना टूटे। इसको क्या कहेंगे हम, इलास्टिसिटी कहेंगे कि जैसे इलास्टिक की तरह खिंचती है, एलोंगेशन लंबी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी मुड़ तोड़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लेक्सिबिलिटी। वी नो दैट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वी यूज टू से दैट मेक आर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल सो दैट इट बैंड्स विदाउट ब्रेकिंग। सो सेम एज फ्लेक्सिबिलिटी इज विच बैंड्स विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फैब्रिक सर्फेस कवर, क्रीप, लस्टर और टेक्स्चर। सो दे वॉन्ट टू आस्क दैट फ्रॉम अ फैब्रिक सर्फेस वेन लाइट रिफ्लेक्टेड देन वट इट इज कॉल्ड। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है कि जब किसी भी एक फैब्रिक के सर्फेस के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एकदम से हम देखते हैं तो हमें शाइनी दिखता है ना, जैसे अगर हम सिल्क या साटिन को देखते हैं तो कैसा दिखता है वो हमें लस्टर दिखता है। सो व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फैब्रिक मींस वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सिल्क एंड साटिन, इट विल गिव अस लस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनड फाइबर्स हैव मैक्सिमम क्रिम्प, कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क और वूल। इनमें से कौन सा फाइबर है जिसमें ज्यादा क्रिम्प होती है, ज्यादा वेव्स होती है, ठीक है? तो वी नो दैट इट्स द आंसर वूल। वूल के अंदर ज्यादा क्रिम्प होती है, मैक्सिमम क्रिम्प रहती है एज कंपेरेटिव टू अदर फाइबर्स। द क्रॉस सेक्शन ऑफ नायलॉन इज डैश शेप्ड डॉग बोन, लोबल, राउंड और ट्राइंगुलर। सो In this question, they want to ask about the microscopic structure of nylon. So we know that from the microscopic structure of various fibers, one question can be given by NTA. So यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ नायलॉन जो हम देखते हैं ना माइक्रोस्कोप से, हम देखते हैं एक तो लेंथ वाइज होता है हमारा और एक विथ वाइज क्रॉस सेक्शनल होता है, तो क्रॉस सेक्शन की क्या शेप होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट लॉन्गिट्यूडनल में जो हमारा नायलॉन होता है वो स्ट्रक्चरलेस होता है, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, रोड लाइक अपीयरेंस होती है और क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होता है, दैट मींस राउंड। इट इज राउंड इन शेप इन क्रॉस सेक्शनल एंड इन लॉन्गिट्यूडनल इट इज स्ट्रक्चरलेस, यूनिफॉर्म डायमीटर, रोड लाइक अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वूल फाइबर इज अ प्रोटीन कॉल्ड। वूल फाइबर के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, सेल्यूलोज, फाइब्रिन, केराटिन और सेरेसिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज केराटिन बिकॉज वूल फाइबर इज चीफली कंपोज्ड ऑफ द एनिमल प्रोटीन केराटिन। सो वूल के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है।
The lengthwise yarn in a woven fabric are known as coarse, veil, warp yarn or weft yarn. So in the previous video, previous video, we talk about the knitted fabric lengthwise or crosswise yarns. So that is coarse and veil, and in woven we know that it is warp and weft. So lengthwise is our वॉप यार्न्स. यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर क्या पूछा था उन्होंने कि हमारे निटेड बुने हुए कपड़े जो हमारे सिलाइयों से बुने हुए कपड़ों के ऊपर लेंथ और क्रॉसवाइज कौन सा होता है, तब हमने कोर्स और वेल का आंसर दिया था. लेकिन यहाँ पर आज ये लेंथवाइज पूछ रहे हैं, तो वॉप होते हैं वो हमारे लेंथवाइज होते हैं जो विच इज पैरलर टू आर सेल्विज, जो कि हमारे सेल्विज से हमारी कन्नी के पैरलर चलते हैं. डैश वॉज द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड सेल्यूलोजिक फाइबर, सेल्यूलोज एसिटेट, कॉटन, फ्लैक्स और विस्कस रेयन. सो इन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि सबसे पहला सेल्यूलोजिक फाइबर कौन सा था जो सेल्यूलोज से बना हुआ था. सो आंसर इज विस्कस रेयन, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू सिंथेटिक बट अ सेमी सिंथेटिक एंड ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. तो विस्कस रेयन जो है उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं. इसको हमने सेल्यूलोज से डिराइव्ड किया है और इसको हम ट्रू सिंथेटिक नहीं कहेंगे. ये पूरा सिंथेटिक नहीं है, लेकिन स्टिल ये सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है. पॉलिएस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश स्पिनिंग, फ्रिक्शन, हैंड मेल्ट और रिंग. सो इन्होंने क्या क्वेश्चन है, यू कैन सी माय वीडियो ऑन पॉलिएस्टर आल्सो. You can write polyester and KMS fashion. You get the manufacturing process of polyester in it. You can know the process, the complete process how the polyester is produced. So, polyester बनाने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें manufacturing of polyester हमने दे रखा है. और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा इसमें से process रहता है. So, correct option है हमारा melt. Melt करने के बाद हम polyester को बनाते हैं. We do melting to the fibers and then it makes आर यान. यान काउंट इज डिनोटेड बाय GM, DE, NE और XE. सो द करेक्ट ऑप्शन इज NE. जब भी हम यान काउंट करते हैं तो यान काउंट को हम NE से, आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिस्टम पे आप वीडियो देखिएगा, हमारी वीडियो है ऑलरेडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यान काउंट पे. देन यू कैन गेट टू नो अबाउट द NE एंड ऑल द अदर्स यान काउंट्स. What are the yarn perpendicular to the selvedge in a woven fabric known as coarse, veil, warp yarn and weft yarn? यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, लिटिल बिट ट्रिकी. यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया कि कौन सा यान परपेंडिकुलर होगा सेल्वेज के. अभी मैंने आपको पैरलर टू द सेल्वेज बताया कि हमारा कौन सा यान पैरलर टू द सेल्वेज होगा, वी नो दैट वॉप होगा. तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऑटोमेटिकली इट्स वेफ्ट यान. सो इन दिस क्वेश्चन दे वॉन्ट टू नो अबाउट द परपेंडिकुलर, एंड वी नो द पैरलर यान टू द सेल्वेज इन अ वोवन फैब्रिक इज नोन एज वॉप यान. सो परपेंडिकुलर इज आर weft yarns and coarse are and veils are of knitted fabrics. What is the process of yarn tie and dye, bandhani, batik, ikat ya lehriya? So yahan par ye kya janna chahte hain ki kaun sa hamara process hai yarn tie aur dye ka, jisme hum tie dye karte hain, ye wala process kiske andar hota hai. So options hai bandhani, batik, ikat ya lehriya. We know that iske andar hamara इकत रहेगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बांधनी क्यों नहीं है, क्योंकि बांधनी के अंदर हम करते हैं, लेकिन वो हमारा प्रोसेस ऑफ यान को नहीं टाई डाई करते हैं, वो हम फैब्रिक को टाई डाई करते हैं, फैब्रिक को बांधते हैं. लेकिन यहाँ जब यान को टाई डाई कर रहे हैं तब इकत आ रहा है, करेक्ट. बिकॉज इकत क्या होता है, हमारा हमारा फैब्रिक बनने से पहले का प्रोसेस होता है, यान प्रोसेस रहता है. डैश इज अ नॉवल्टी यान, कॉर्ड यान, प्लाई यान, सिंगल यान और स्लब यान. यू कैन सी द वीडियो ऑफ नॉवल्टी यान्स, सो यू गेट टू नो अबाउट द आंसर एंड ऑल द टाइप ऑफ नॉवल्टी यान्स. आप लोग देख सकते हैं नॉवल्टी यान्स के ऊपर वीडियो, जो फैंसी यान्स भी है. और कल मैंने आपको बताया था कि आपका फाइबर से सिंगल यान बनता है, सिंगल यान को मिला के प्लाई यान बनता है, प्लाई यान को मिला के कॉर्ड यान बनता है. सो करेक्ट ऑप्शन नॉवल्टी यान का क्या है, नॉवल्टी इज टेक्सचर्ड यान, दैट इज स्लब यान. Long length fiber are known as
blended fiber, filament fiber, stipple fiber or union fibers. Yesterday we talk about our stipple fibers or short length fibers. So kal humne baat ki thi apne short length fiber jisko stipple fiber bolte the, lekin yahan par aaj hum long length fibers, filament fibers ki baat kar rahe hain. Silk iklauta hamara aisa natural fiber hai jo hamara filament fiber hai, aur baki sare synthetic fibers hamare filament fiber kehlate hain. Silk fiber has a protein called cellulose, fibrin, keratin or sericin. So in silk we have, silk is composed of mainly fibrin and is produced by certain insect larva to form cocoon. So silk hamara kisse banta hai, silk mein kaun sa protein hota hai? Fibrin. Dash was the first synthetic fiber. Cellulose acetate, cotton, flax और nylon. So इनमें से हमारा पहला सबसे पहला synthetic fiber कौन सा है? Cellulose acetate है, cotton है, flax है, nylon है. So correct option है हमारा nylon. ये 1930 के अंदर हुआ था Wallace Carothers ने. इसको सबसे पहले discover किया था. Which of the following is the only natural filament fiber? मैंने इस चीज़ का आंसर ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नेचुरल फिलामेंट फाइबर इकलौता है, दैट इज़ आर सिल्क. सिल्क इज़ द नेचुरल फिलामेंट फाइबर. ओके, द टर्म आर्टिफिशियल सिल्क वॉज यूज्ड फॉर विच फाइबर? हम इसका भी ऑलरेडी आपको आंसर बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं. एसिटेट, नायलॉन, रेयन और वूल. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर रेयन. रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क एंड इट इज सेमी सिंथेटिक मेड फ्रॉम सेल्यूलोज. The ability of the fiber to cling together during spinning is known as cohesiveness, cover, creep or crimp. जब ये कैसी ability होती है fiber की, वो आपस में एक दूसरे से जब spin करते हैं ना तब चिपक जाते हैं, तो कौन सी ability होती है ये? उसकी cohesiveness, मतलब आपस में जुड़ जाने की क्षमता. The formation of balls of fiber on fabric surface is known as feltability, hand pilling or stiffness. जब हमारे फाइबर जो हमारा फाइबर होता है फैब्रिक के ऊपर, उसकी छोटी छोटी बॉल्स पड़ जाती है, हम बोलते हैं ना बूर आ जाता है या बॉल्स पड़ जाती है, हमारा फाइबर्स जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पिलिंग. इस प्रोसेस को हम पिलिंग बोलते हैं. डैश शेप प्रोड्यूस द मोस्ट वैल्यूएबल वूल. अटलांटिक, इंग्लिश, मैरिनो, मिसिसिपी. इनमें से कौन सी ऐसी शीप है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वूल देती है? आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो पर्टिकुलरली स्पेशलिटी वूल्स के ऊपर है, उसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. लास्ट ईयर भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था. सो करेक्ट ऑप्शन है मैरिनो. मैरिनो शीप हमें सबसे मोस्ट वैल्यूएबल वूल देती है. Dash wool comes from animal less than 7 month old, lamb, poult, recycled or virgin. So कौन सी wool है जो animal है हमारा 7 महीने से कम उम्र का हो, तो कौन सी wool कहलाएगी? हमारी lamb wool, because poult होती है जब हम poult wool is जब मर जाता है, dead animal से निकलती है. Virgin is जब वो अभी सबसे पहली बार shave कर होता है, और recycled मतलब जब हम उस wool को दोबारा से recycle करते हैं. lamb wool जो होती है वो less than 7 month old के लिए होती है. The production of cultivated silk is known as reeling, sericulture, shearing and throwing. So जब हम produce करते हैं, कल्टीवेट करते हैं सिल्क को, तो उस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर बोलते हैं. When two silk worm spin their cocoon together, dash silk is obtained. Dupony, raw, tussar और wild. जब दो सिल्क वॉर्म आपस में एक साथ कोकून उनके स्पिन करते हैं सिल्क को, तो कौन सी सिल्क हमारी बनती है? दैट इज ड्यूपोनी सिल्क हमारी बनती है जब टू सिल्क वॉर्म्स स्पिन देयर कोकून टूगेदर. Denim is a dash weave fabric, plain, satin, sateen and twill. You can see our video on different type of weaves. So, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की weaves, और question आता ही आता है कि कौन सा fabric है. So, denim हमारा twill weave का example है. Dash is the process of whitening yarn, fiber or fabrics, bleaching, mercerization, singeing and sizing. इनमें से कौन सा हमारा कपड़े को, धागे को और फाइबर को सफ़ेद कर देना का प्रोसेस है, वाइट कर देने का प्रोसेस है? वाइटनिंग ऑफ द यार्न, फाइबर एंड फैब्रिक, इट इज़ नोन एज ब्लीचिंग प्रोसेस. इन ब्लीचिंग लाइक योर यूनिवर्सल, वट इज़ योर यूनिवर्सल ब्लीच? दैट इज हाइड्रोजन पारोक्साइड.
Dash is a roller printing with a pattern on both side of the fabric. So in question, the answer, you can itself get the hint of the answer in the question itself. Block printing, direct roller, duplex printing or warp printing. Question के अंदर ही आपको answer का hint मिल जाता है. थोड़ा सा ध्यान दीजिए. तो कौन सी ऐसी roller printing है जिसमें pattern को दोनों तरफ से print किया जाता है. So it is known as duplex printing. Duplex printing के अंदर कपड़ा दोनों तरफ से print होता है. In dash, hot wax is applied to the form fabric in the form of design, bandhani, batik, ikat or screen printing. तो hot wax किस में apply की जाती है? In which of the following we use hot wax? We know that two types of bee wax and your cold wax we combine them for our or your paraffin wax actually. We do it in batik. Batik के अंदर हम क्या करते हैं? अपनी hot wax design से design को बनाते हैं hot wax से. Which of the following specialty wool is not from camel family? Alpaca, Angora, Llama or Vicuna? So Vicuna के ऊपर already हमारा last year question आ चुका है. So आपको you need to see the specialty wool video in our playlist. You can go and search for it. आप लोग सर्च कर सकते हैं स्पेशलिटी वूल की वीडियो पे, बिकॉज विकोना के ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है 2019 के अंदर. सो आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वूल कैमल की फैमिली से नहीं है. सो अंगोरा इज अ रैबिट. ओके, सो ऑल द अदर्स आर द फ्रॉम द फैमिली ऑफ कैमल, बट अंगोरा इज अ रैबिट. Next question is, woven fabric cut in a diagonal direction is said to be on bias grain, cross grain, straight grain or none of these. So in it the correct options are, we need to know about the diagonal direction. तो हमें हमारी कितनी ग्रेन होती है? क्रॉस ग्रेन होती है, स्ट्रेट ग्रेन होती है, बायस ग्रेन होती है. जो हमारी स्ट्रेट ग्रेन होती है दैट इज आर लेंथ वाइज, क्रॉस ग्रेन इज विड्थ वाइज एंड बायस ग्रेन दैट इज ट्रू बायस और 45 डायगनल डायरेक्शन के अंदर हमारी बायस ग्रेन कहलाती है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वूल फाइबर अकॉर्डिंग टू देयर फाइननेस एंड लेंथ इज नोन एज क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और वॉशिंग. सो क्या प्रोसेस है जब हम वूल फाइबर को अकॉर्डिंगली, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब देखेंगे तो उसके अंदर आप इसको देख पाएंगे दैट इट इज नोन एज ग्रेडिंग. ग्रेडिंग मीन्स वी ग्रेड आर वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइननेस एंड अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ नेचुरल मिनरल फाइबर, एल्युमिनियम, एस्बेस्टर्स, ग्लास और स्टील. सो इट इज एस्बेस्टर्स. एस्बेस्टर्स है वो हमारा इकलौता नेचुरल मिनरल फाइबर है. डैश इज द सिंथेटिक मिनरल फाइबर. अब यहां पर अभी हमने नेचुरल देखा था दैट इज एस्बेस्टर्स. तो सिंथेटिक मिनरल फाइबर कौन सा है? एल्युमिनियम, एस्बेस्टर्स, ग्लास और स्टील. दैट इज आर ग्लास. आप यहां पर इसको लिख सकते हैं कि फाइबरस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड प्राइमरली फ्रॉम, किससे बना होता है हमारा? रॉक, क्ले, स्लैग और ग्लास. आई एम रिपीटिंग, रॉक, क्ले, स्लैग और ग्लास. Next question, dash fiber fabrics do not have grain line, felt, knitted, woven or none of these. कौन से fabric की grain line ही नहीं होती, जो बुना ही नहीं गया होता. So felt is a non-woven fabric, which is the fabric which is not woven, which is made by melting or matting other processes. It do not have any grain line. Dash is a open work fabric with complex pattern or figures, braid, felt, lace, net. इनमें से कौन सा ऐसा एक open work fabric है जो complex pattern और figure से बना होता है? So सही उत्तर है हमारा lace. Lace is the answer. Dash yarn creates special effects in fabric which resemble a hairy caterpillar, chenille, nub, slub or spot. इनमें से एक ऐसा आपने yarn बताना है जो हेयरी कैटरपिलर की तरह रिजेंबल करता है, दिखता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज शिनेल. आप नोवल्टी यार्न्स की वीडियो देख सकते हैं. यू कैन गो एंड सी द वीडियो ऑफ नोवल्टी यार्न्स. यू गेट मोर कंसेप्ट क्लियर फ्रॉम दैट वीडियो एंड कैन बी एबल टू आंसर मोर क्वेश्चन. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. Dash is a fiber obtained from the fibrous mass between the outer shell and the husk of the coconut, coir, jute, kapok,
किनिफ. सो कौन सा फाइबर है जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं? आउटर शेल और हस्क ऑफ द कोकोनट. आपने कोकोनट देखा है गोला, उसके बाहर का जो हस्क होता है उससे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा फाइबर? क्वायर. क्वायर के आपने मैट्रेसेस देखे होंगे, पिलोज देखे होंगे, मैट्स देखे होंगे, यून. सो वो क्वायर के बने होते हैं. द डिले रिकवरी फ्रॉम एलंगेशन ऑफ फाइबर इज नोन एज काउंट कवर क्रीप और ट्विस्ट. जब हमारी एलोंगेशन से डिले होती है हमारी रिकवरी, तो उस प्रोसेस को हम क्रीप बोलते हैं. डैश इज अ हेयर फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द अंगोरा गोट, कश्मीर, लैम्प वूल, मोहर और क्विट. सो इनमें से हेयर फाइबर बताना है जो अंगोरा गोट देती है. सो करेक्ट ऑप्शन है मोहेर. मोहेर जो फाइबर है वो अंगोरा गोट के द्वारा दिया जाता है. ये भी आप हमारी वीडियो में ऑलरेडी देख सकते हैं. डैश इज अ प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल रूटिंग ऑफ टू रिमूव बास्ट फाइबर. सो रीलिंग, रेटिंग, रोविंग एंड शियरिंग. सो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल रूटिंग ऑफ रिमूविंग बास्ट फाइबर. बास्ट फाइबर के लिए हम रैटिंग प्रोसेस करते हैं. रैटिंग प्रोसेस के अंदर भी वी हैव यू नो ड्यू रैटिंग, वुड रैटिंग, वेपर रैटिंग. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रैटिंग प्रोसेसेस इन आर टू रिमूव द बास्ट फाइबर बैक्टीरियल रूटिंग. द वेरिएशन ऑफ प्लेन वीव इन विच टू वॉप यार्न्स आर इंटरलेस्ड विद टू वेफ्ट यार्न्स, बास्केट वीव, रिब वीव, साटन वीव और ट्विल वीव. क्या क्वेश्चन है कि प्लेन वीव का वेरिएशन है. प्लेन वीव के पहले तो वेरिएशन की बात करेंगे तो दो होते हैं, बास्केट और रिब होती है. तो साटन और ट्विल तो हमारा डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. सो अब इनमें से भी कौन सा होता है? बास्केट के अंदर हमारे 2x2 होता है, 2x2 हमारा बास्केट वीव कहलाता है. Which of the following is a comb-like device that pushes the weft yarn in place during weaving process? Harness, heddle, reed or shuttle? इनमें से कौन सा comb-like device है जो क्या होता है weft yarn के place पे put हम उसको push करते हैं weaving process के अंदर, मतलब उसको धक्का देते हैं बार बार. So सही उत्तर हमारा क्या, आप weaving process की video देख सकते हैं. You can see the video of weaving process in our playlist. So answer is reed. Fabrics made with two or more generally different fibers are known as balanced fabric, blend, corduroy or crepe. So, क्या question है इनका कि दो या उससे ज़्यादा अलग अलग fibers को इस्तेमाल करके जब हम fabric बनाते हैं तो उसको हम blend बोलते हैं. We said it the blend when we mix two or more fibers, different type of fibers to make a fabric. The fabric made by plaiting थ्री और मोर यार्न्स इज नोन एज, जब हम प्लेट बनाते हैं, जब हम प्लेट प्लेटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेड, क्रॉचेटिंग, फेल्ट या फिर लेसिंग. सो इट इज नोन एज ब्रेडिंग. हम चोटी बनाते हैं, है ना, वी मेक प्लेटिंग. वी सेड दैट वी आर मेकिंग प्लेटिंग और ब्रेड्स टू फॉर्म आर चोटी. सो दैट इज नोन एज ब्रेडिंग. सो इस मेथड से भी हमारा फैब्रिक मेड होता है. अनफिनिश्ड फैब्रिक इज ऑल्सो नोन एज डैश गुड, ब्लीच्ड, ग्रे और वाइट. सो हमारा जो अनफिनिश्ड फैब्रिक होता है उसको हम ग्रे फैब्रिक बोलते हैं. वी सेड इट ग्रीक फैब्रिक. ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन फैब्रिक विद सोडियम हाइड्रोज ऑक्साइड टू इंक्रीज लस्टर एंड एब्जॉर्बेंसी इज नोन एज क्लेंडरिंग, मर्सराइजेशन, कवरिंग और टेंटरिंग. सो लस्टर को इंक्रीज करने के लिए, चमक को इंक्रीज करने के लिए, एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं कॉटन के फैब्रिक को. किस प्रोसेस में? मर्सराइजेशन प्रोसेस. Fibers having affinity for oil are known as hydrophilic, hydrophobic, hygroscopic or ileanophilic. So, यहाँ पर ऐसे फाइबर बताने हैं जिसकी एफिनिटी अच्छी है ऑयल से, उसको हम क्या बोलते हैं? Ileanophilic fibers. The dash is a smooth boat-shaped device which carries the weft yarn over and under the warp yarn during the weaving process. Harness, huddle, reed, shuttle. So I'm repeating myself. Just see the video of weaving. You get to know about each and every part of your loom. So weaving process ki agar aap video dekhenge to loom ke sare parts को आप समझ जाएंगे कि कौन से होते हैं. तो बोट शेप का कौन सा डिवाइस होता है हमारा? बोट शेप का हमारा शटल कहलाता है, जो हमारे वेफ्ट यार्न्स को वॉप यार्न्स के अंदर लेके जाता है. द फाइबर फ्रॉम एनिमल अदर देन शीप इज नोन एज
हेयर फाइबर, स्पेशलिटी हेयर फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और वूल फाइबर. सो इन दिस क्वेश्चन दे वॉन्ट टू आस्क अबाउट द फाइबर्स विद दैट आर अदर देन शीप. सो आई ऑलरेडी मैंशन दैट वी हैव वन ऑफ द वीडियोज ऑन स्पेशलिटी वूल फाइबर. सो दिट इज नोन एज स्पेशलिटी हेयर फाइबर्स. मैंने पहले ही बोला है कि आपको एक अलग से हमारी वीडियो है स्पेशलिटी वूल फाइबर्स के ऊपर, तो इसको स्पेशलिटी हेयर फाइबर बोलेंगे. शीप से अलग जितने भी एनिमल्स हमें फाइबर देते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज डैश वीव शोज प्रोमिनेंट डायगनल लाइन्स, पाइल वीव, प्लेन वीव, सैटन और ट्विल. सो कौन सी वीव हमें डायगनल लाइन्स देती है? वी नो अबाउट दिस क्वेश्चन कि ट्विल वीव हमें डायगनल वीव देती है. आप ट्विल वीव की वीडियो भी देख सकते हैं और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं. सो होपफुली आप सब लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. 50 क्वेश्चंस के हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ शेयर द वीडियो मोर, लाइक इट एंड प्लीज डू कमेंट सो दैट वी गेट टू नो कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी. सो सब्सक्राइब कीजिए KMS Fashion को. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.